हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो एआई टूल लेकर आया हूँ, इससे आप अपनी पूरी मूवी को ही कार्टून एनिमे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये कोई खास हैरानी की बात नहीं है, असली हैरानी की बात तो आपको अब होगी ये सुनने के बाद कि ये कोई वेबसाइट नहीं जिससे आप मूवी को कार्टून में कन्वर्ट करोगे, ये एक ऐप है और इससे आप एक ही क्लिक में और कुछ ही सेकंड में पूरी मूवी को ही कार्टून एनिमे में बदल पाएंगे। दोस्तों, इस ऐप को कैसे और कहां से डाउनलोड करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले हम इस ऐप को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, इस ऐप का इंटरफेस कुछ ऐसा होगा। यहां नीचे आपको तीन ऑप्शन दिखाई देंगे। पहले नंबर पर है कैमरा। अगर आप कैमरा से कोई वीडियो बनाना चाहते हैं और उसको अपलोड करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है फाइल मैनेजर का। इस पे आप क्लिक करके कोई भी खास वीडियो को जो आपके फ़ोन में है, जो आपके फाइल मैनेजर में है, उसको आप कार्टून एनिमे में बदल। तीसरा ऑप्शन है गैलरी का। यहाँ से भी आप वीडियो को ले सकते हैं जिसे आप एनिमे करना चाहते हैं। और अगर आपके पास आपके फ़ोन में कोई रिसेंट वीडियो है, इसमें एंटर करते ही फाइल मैनेजर की सभी रिसेंट वीडियो आपको यहाँ पर ऊपर ही दिखाई देंगी। अब आप जिस भी वीडियो को एनिमे बनाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों, जो मेरी ओरिजिनल वीडियो है, मैंने यहाँ पर जो अपलोड की है, इसे हम पहले प्ले करके देख लेते हैं। दोस्तों, ये थी ओरिजिनल वीडियो। अब आपको नीचे दिए गए स्टाइल्स में जो भी स्टाइल अच्छा लगे आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब इसे दोस्तों हम प्ले करके देखते हैं। इसमें दोस्तों और भी बहुत सारे स्टाइल हैं जिनको आप यूज करके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें कुछ पेड स्टाइल हैं जो सब्सक्रिप्शन लेने पर ही आप यूज कर सकते हैं, लेकिन फ्री वाले भी इसमें काफी बेस्ट स्टाइल हैं जिनको यूज करने के बाद आपको पेड वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस टॉपिक पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, मूवी को कार्टून वीडियो में कैसे कन्वर्ट करें। इस वीडियो में मैंने टॉपिक को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया था, लेकिन ऐसे कार्टून एनिमेशन करने में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था और काफ़ी लोगों के कमेंट भी थे कि इस पे अच्छे से नहीं बन पा रही है। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी की प्रॉब्लम का सलूशन होने वाला है। दोस्तों, इसमें एक प्रिपेयर का ऑप्शन भी है जिसमें आप अपनी वीडियो के ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो को अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब दोस्तों, बहुत काम की बात ध्यान से सुनिए जो आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप मूवी क्लिप या मूवी को YouTube पर अपलोड करोगे इस तरह से एनिमे में कन्वर्ट करके, तो कॉपीराइट ना आए इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। वीडियो के बैकग्राउंड से उसकी ओरिजिनल वॉइस को या म्यूजिक को हटा देना होगा और उसकी जगह आप अपना वॉइस ओवर करो या AI टूल की मदद से वॉइस ओवर करो, उसको यहाँ इसके बैकग्राउंड पे लगाओ या कोई कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ऐड करो, डेफिनेटली आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। अब दोस्तों, ऐप का नाम जानने से पहले वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर देना। इस ऐप का नाम है टुनीता वीडियोस। वीडियो एक्सपोर्ट करने पर वाटरमार्क आएगा। इसके लिए आपको 123 ऐप्स वेबसाइट पर जाना है और वहां जाकर आप वाटरमार्क रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो में वाटरमार्क रिमूव करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इस पर एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, ये टुनीता वीडियोस का जो ऐप है ये आपको इजीली प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जैसे मैंने इसे यूज़ करना बताया है, आपको उसी तरह से यूज़ करना है। और दोस्तों, इसे जल्दी से यूज़ कर लो क्योंकि पता नहीं कब इसके सारे फीचर्स पेड हो जाएं। ये ऐप से आप क्या करने वाले हो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ प्रॉब्लम हो तो भी कमेंट कर सकते हैं आप, मैं उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।